मेरा अटेस्टेड था, सर्टिफिकेट अटेस्टेड था, मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड सब कुछ था, एंट्री नहीं कराया इन्होंने, बस ये बोल रहे हैं कि जाओ प्राचार्य से साइन करा के लाओ। और प्राचार्य मेरा इलाहाबाद में कॉलेज है, मैं कैसे जाऊँ साइन करा के लाओ, आप बताओ मेरे पास। और अगर इन्हें चेक करना, ये चेक कर सकते कोई डॉक्यूमेंट गलत, तो कोई गजेटेड ऑफिसर ऐसे ही थोड़ी ना साइन कर देगा। हाँ उन लोगों ने कहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं एंट्री करा सकते, हमें यही ऑर्डर है। पूरा कैंसिल कराओ, कैंसिल कराओ, कैंसिल कराओ, हमारा पेपर कंडक्ट कराओ, कैंसिल कराओ, कैंसिल कराओ। यहाँ पे 8 बजे के आए बैठे हैं, पागल हैं। अरे नहीं बात कुछ नहीं होने वाला, सारी गलती स्कूल की है, यही रहा आप लोग को बताने में। स्कूल में नहीं मिली, सब में मिली है। उनका सारा कैंसिल कराओ, कैंसिल कराओ, कैंसिल कराओ। अरे आप ये यही रवैया है यहाँ का, आप लोगों के लिए बातचीत कर रहे हैं, हमारा तो आप कुछ नहीं है ना, तुम्हें नहीं वो इस तरह बात कैसे करता है सिपाही सर। अरे जब मेरा नाम अखिलेश शर्मा है, ये हंगामा करने का कारण हमारे ये कि हम लोग यूपी टेट के परीक्षा देने आए थे यहाँ पर, और हमने पिछले 2 महीने पहले भी एग्जाम दिया देने आए थे, वो हमारी कैंसिल हो गई थी, हम दोबारा देने आए हैं। इन लोगों ने क्या करा कि ये लोग जो हैं, एक तो इन्होंने समय से गेट पहले बंद कर दिया, 8:20 के लगभग इन्होंने गेट बंद कर दिया, और कोरोना के कारण 2 घंटे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे, हम 7:30-8 बजे यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद हमने लाइन लगाई। जब हम अपनी लाइन के पास पहुँचे तो इन्होंने ये हवाला देने लगे कि आपका जो 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 अंक पत्र है वो अटेस्टेड जो है स्कूल से होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ना सारे स्कूल बंद कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, और स्कूल वालों ने कहा कि आप किसी भी जो है अधिकारी, सक्षम अधिकारी से जाकर अपना अटेस्ट करा सकते हो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ और दिखा दो, ठीक है। अब जब भी कोई अधिकारी अटेस्ट करेगा वो ओरिजिनल देखेगा, और इस कारण इन्होंने हमें तो परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। यहाँ पे अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है, ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा दिक्कत करोगे हम आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है। एक दूसरी बात, ये लोग हम लोग यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, सपोज हाँ हमारे पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और हमारे पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट है। सिर्फ इन लोगों का मोटिव ये होता है कि ये लोग जो है किसी गलत व्यक्ति एंट्री ना कर जाए, इसीलिए ये देख रहे हैं। तो आधार कार्ड चेक कर लो, मार्कशीट चेक कर लो, रोल नंबर चेक कर लो, जो ओरिजिनल लेके उसे चेक कर लो, एक चीज नहीं होती है भाई, जब हम वोट डालने के लिए सरकार सवाल सिर्फ एक नहीं है सर, सवाल कई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट समय से पहले आए हैं, कोविड आपके विद्यालय में 3-3 गेट है, 3 गेट से एंट्री कराते बच्चों को जल्दी एंट्री मिल सकती थी, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके बाकी किसी से एंट्री नहीं होगी तो हम जब माने इस बात के लिए। आपका क्या इशू था, क्योंकि किस वजह से आपको नहीं पाया? मैम सिर्फ सर सिर्फ गजेटेड ऑफिसर के चक्कर में सभी लोगों का, अब मेरा कॉलेज इलाहाबाद में कैसे जाऊंगा, मेरे पास सेकंड सेमेस्टर का था, मैंने फोर्थ सेमेस्टर का करा लिया उसको दिखाकर। ये लोगों इनका इशू है कि अपने स्कूल से प्रचार से कराइएगा, रजिस्टर्ड ऑफिसर की बात सर ओरिजिनल है। मैं 8 बजे से आके गेट के बाहर बैठी थी, और गेट के बाहर सब लोग खड़े थे, एंट्री कर रहे थे, मैं सोची अभी सब लोग बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं और एंट्री कर रहे हैं, मैं भी अभी जाती हूँ, जब तक मैं गेट के पास गई और तब तक ये लोग गेट बंद कर दिए सर। मैं 9:30 से पहले ही वहाँ पहुँची थी गेट के बाहर। क्या सर नहीं बात किए तो बोल रहे हैं सब लोग कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है सर, देख लीजिए सर, मेरे पास तो ओरिजिनल भी है।